नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 9 उप सह संयोजन यौगिक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती भाग में हमने वर्नर सिद्धांत तथा आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जाना था। आज के इस भाग में हम उप सह संयोजक यौगिकों में धातु आयन या परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बनने वाले बंध के बारे में चर्चा करेंगे तथा चुंबकीय प्रकृति तथा इनकी संरचनाएं किस प्रकार से प्रभावित होती है उनकी भी चर्चा करेंगे। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करें। उप सह संयोजन यौगिकों का आबंधन अर्थात इनमें किस प्रकार से बंध बने होते हैं उनकी व्याख्या करना तथा इनकी ज्यामिति की व्याख्या करना, इनके चुंबकीय गुणों के बारे में बताना, इनके रंग के बारे में बताना। उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति को समझाने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए थे, जैसे संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है तथा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत लिगेंड फील्ड थ्योरी तथा आणविक कक्षक सिद्धांत MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है। इस कक्षा में हम सिर्फ VBT तथा CFT के बारे में ही चर्चा करेंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसे पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1D NS वह NP या NS NP वह ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां जैसे अष्टफलकीय चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। अर्थात लिगेंड जब बंध बनाने के लिए धातु परमाणु या आयन के पास आता है तो धातु परमाणु उसे बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवा करके देते हैं। ये रिक्त कक्षक कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा हमारे पास NS कक्षक, एक होगा NP तथा D, क्या तो एक अंदर वाला D होगा जिसे N-1D कहते हैं या एक बाहर वाला D होगा जिसे ND कहते हैं। ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं। देखिए जो हमारे पास लिगेंड होते हैं उसमें वो कक्षक जिनके पास LP उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उनके साथ ये संकरित कक्षक बंध बना लेते हैं अतिव्यापन करके। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध प्राप्त होता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास समन्वय संख्या 4 है किसी संकुल यौगिक की, तो उसमें संभावित संकरण कौन सा होता है? sp3। ज्यामिति कैसी हो सकती है? चतुष्फलकीय। यदि उसमें संकरण dsp2 है तो उसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। समन्वय संख्या 5 के लिए संकरण का प्रकार हो सकता है sp3d तथा उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। समन्वय संख्या 6 वालों के लिए संकरण sp3d2 या d2sp3 प्रकार का हो सकता है तथा उनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। संकरण में कौन से डी कक्षक प्रयुक्त हो रहे हैं? क्या तो वह आंतरिक डी कक्षक है या वह बाह्य डी कक्षक हो सकते हैं। यदि आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो इस प्रकार के संकुल को या कॉम्प्लेक्स को हम आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। यदि बाह्य डी कक्षक प्रयुक्त हो रहे हैं तो उन्हें हम बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल के नाम से पुकारते हैं या वो इन नामों से जाने जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि अंदर वाला डी कक्षक काम में आ रहा है या बाहर वाला डी कक्षक काम में आ रहा है। आइए अब कुछ उदाहरणों की सहायता से हम VBT को समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर किस तरह से लागू हो सकती है। एक उदाहरण हमारे सामने है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। यहाँ कोबाल्ट जो हमारा केंद्रीय परमाणु है CO,
इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 3d6। इस अवस्था में CO प्लस 3 की अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होगा? 3d6। इस 3d6 विन्यास की अवस्था में इसमें ये निम्न कक्षक उपस्थित होते हैं। देखिए 3d कक्षक है, वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4s कक्षक रिक्त है तथा 4p कक्षक भी हमारे पास रिक्त है। यहां पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं हमारे पास में अमोनिया के, तो यहां हमें कितने कक्षक चाहिए? 6 कक्षकों की आवश्यकता है। अभी हमारे पास रिक्त कक्षक 1, 2, 3 तथा 4 सिर्फ यही है, 6 कक्षक रिक्त नहीं है। तो क्या हो सकता है? हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का हम क्या करवा दें? युग्मन करवा दें। युग्मन करवा देने के फलस्वरूप हमारे पास में यहाँ पर 2 कक्षक और रिक्त हो जाएंगे। इस प्रकार हमें कुल 6 रिक्त कक्षक प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे सामने स्थिति इस प्रकार की होती है, हमारे पास में 2 डी कक्षक भाग ले रहे हैं, 1 एस कक्षक ने भाग लिया तथा 3 पी कक्षकों ने भाग लिया। इस प्रकार हमारा संकरण कौन सा बना? d2sp3 संकरण बन गया। इसे sp3d नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पहला कक्षक हमारा जो काम में आया वो अंदर की तरफ था, और कौन सा था? वो d था। फिर हमने s को लिया, फिर हमने p को लिया, इसीलिए इसी सीक्वेंस में इस संकरण का नामकरण है dsp। कितना d? 2। कितना s? 1। कितना p? 3। तो नाम क्या हो गया हमारे पास इसका? d2sp3। इस संकरण में देखिए अब हमारे पास में 6 कक्षक रिक्त उपलब्ध हो गए हैं। इन रिक्त कक्षकों में जो कि हमारे संकरित कक्षक हैं, अमोनिया अपना LP डोनेट करेगा तथा बंध बना लेगा। इस प्रकार का बंधन हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहां देखिए अंदर वाले डी कक्षक काम में आए हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, ये इसका नाम होगा। इस स्थिति में देखिए हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अयुग्मित नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, अतः ये चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इनकी प्रकृति हमारे पास में कैसी बन जाएगी? ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति वाले पदार्थ बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, CuF6 3-। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हमारे पास कोबाल्ट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से होता है। यहाँ हमारे पास 3D में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कोबाल्ट के साथ में 6 फ्लोरीन ने बंध बना रखा है। यहाँ हमें 6 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता होती है। कोबाल्ट के पास 4s, 4p तथा 4d कक्षक रिक्त उपस्थित हैं। हमें कुल 6 चाहिए। 1 s से, 3 p से तथा 2 d से हमारे पास काम आ सकते हैं। इस प्रकार यहाँ कौन सा संकरण होगा? sp3d2 प्रकार का संकरण होगा। इस संकरण के पश्चात जो हमें ये रिक्त कक्षक प्राप्त होते हैं, इन रिक्त कक्षकों में फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके कोबाल्ट आयन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेता है। यह सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का बंध होता है, जिसे उप सहसंयोजक बंध भी हम कहते हैं। यहाँ देखिए कोबाल्ट के पास में से कौन से डी कक्षक काम में आए थे? बाहर वाले डी कक्षक हमने यहाँ पर प्रयोग में लिए थे, इसलिए इसे बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। इस स्थिति में कोबाल्ट के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितनी होती है? 1, 2, 3 तथा 4। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, ये अनुचुंबकीयता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, अब देखिए हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर पहले वाले एग्जाम्पल में तो आपने अंदर वाला डी काम में ले लिया था, यहाँ पर आपने बाहर वाला डी काम में क्यों ले लिया? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर VBT में
नहीं दिया जा सका था। इन प्रश्नों का उत्तर हमें कहां से प्राप्त होगा? सीएफटी से प्राप्त होगा। सीएफटी में हम देखेंगे कि क्यों अंदर वाला और बाहर वाले कक्षक हमारे पास में काम में आ जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, NiCl4 2-, या हमारे पास केंद्रीय धातु है निकिल। निकिल का इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हमारे पास 3D में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक यहाँ पर 4s उपस्थित है तथा 4p उपस्थित है। निकिल ने 4Cl के साथ में बंद बनाया हुआ है। हमें 4 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता है। एक s तथा 3p हमारे पास रिक्त उपलब्ध है। ये परस्पर संकृत होकर के sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। जब ये निर्माण हो जाता है, चार कक्षक हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, तो क्लोराइड आयन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें दान करके बंद बना लेता है तथा हमारे सामने ये स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ हमारे पास क्या हुआ है? डी कक्षक काम में आए, अंदर वाले डी कक्षक काम में नहीं आए हैं। बाहर वाला डी कक्षक काम में आया? नहीं, वो भी हमारे काम में नहीं आए हैं। यहाँ संकरण कौन से प्रकार का हुआ? हमारे पास sp3 प्रकार का यहाँ पे संकरण हुआ है। दूसरा, यहाँ देखिए हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही NiCl4 2- अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? उच्च चक्रण संकुल भी बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में उपस्थित है, इसलिए उच्च चक्रण संकुल इसको कहा जा रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, NiCn4 2-। यहाँ भी केंद्रीय परमाणु हमारे पास निकिल है। इस अवस्था में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इसके 3D में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 4s तथा 4p खाली है। इसके साथ में 4Cn ने बंद बना रखा है। तो इसको कितने रिक्त कक्षक चाहिए? इसे 4 रिक्त कक्षकों की आवश्यकता होती है। अब क्या होगा हमारे पास में? एक तो डी कक्षक, एक एस कक्षक तथा 2p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। इस प्रकार से संकरण कौन सा हो जाएगा? DSP2 संकरण हमारे पास में हो जाएगा। अब फिर से देखिए, हमारे सामने ये प्रश्न आ गया है कि सर, जब बाहर में हमारे पास में एस और पी मिलाकर के 4 कक्षक रिक्त हैं, तो फिर अंदर डी को काम में क्यों लिया गया, जबकि वहाँ तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाया गया, तभी तो डी कक्षक खाली हुआ। ठीक इसी प्रकार भी ये VBT के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर हमें CFT से मिलेगा, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में प्रारंभ करेंगे। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ हमारे पास निकिल Ni2+ था, कौन सा संकरण हो गया? यहाँ DSP2 प्रकार का संकरण हो गया। DSP2 संकरण होने पर ज्यामिति कैसी आएगी हमारे पास में? वर्ग समतलीय ज्यामिति आती है। जबकि sp3 संकरण होने पर ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। अब जो 4 रिक्त कक्षक हमारे पास में उपलब्ध हो गए हैं, इन 4 रिक्त कक्षकों में Cn- अपना lp डोनेट करके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। यहां पर देखिए, अंदर वाला डी कक्षक हमारे पास काम में आया है। इसे क्या बोलेंगे? आंतरिक चक्रण संकुल। यहां पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या बोला जाएगा? निम्न चक्रण संकुल। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर भी आकर्षित नहीं होंगे तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं। प्रकृति कौन सी होगी इनकी? प्रतिचुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। इसमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान है। कैसे पूर्वानुमान? कि जैसे चुंबकीय प्रकृति अगर इसकी इस प्रकार की है, तो इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए। अगर इसकी ज्यामिति ये है, तो इसमें इन कक्षकों ने भाग लिया होगा। इस तरह के बहुत सारे पूर्वानुमान लगा करके किसी यौगिक की संरचना को ज्ञात किया जाता है, जो कि हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यह उपसह संयोजन यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों, चुंबकीय आंकड़ों
ऊष्मा गतिकी और गति की स्थायित्व की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता है। ये सिद्धांत ये नहीं बताएगा कि कौन सा रंग दर्शा रहा है या ये वाला रंग क्यों दर्शा रहा है। इसमें चुंबकीय गुण कितने हैं, ऊष्मा गतिकी रूप से ये कितना अधिक स्थायी है या नहीं है। यदि हम इसकी कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो बल गतिकी के अनुसार अभिक्रिया किस ओर संपन्न होने वाली होती है। यह समन्वी संख्या चार वाले संकुलों के लिए चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतल संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। ऐसे संकुल जिनका कोऑर्डिनेट नंबर चार होता है उनमें दो प्रकार की ज्यामिति संभव है, एक तो चतुष्फलकीय, दूसरा है वर्ग समतलीय। इनका पूरा पूरा एकदम से 100% सही प्रोडक्शन ये नहीं कर पाता है। यह दुर्बल तथा प्रबल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि लिगेंड सभी एक ही प्रकार के हैं, सभी में एक ही तरह की शक्तियां हैं। जबकि दूसरे सिद्धांत ये बताते हैं कि लिगेंड दुर्बल है या ये लिगेंड प्रबल है। इस तरह की व्याख्या यहाँ पर नहीं है। अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम किस प्रकार से संकुल यौगिकों में बनने वाले बंध की व्याख्या कर सकते हैं। हम एक पूर्वानुमान के आधार पर ये बता सकते हैं कि उसकी ज्यामिति किस प्रकार की होती है। उसमें चुंबकीय गुण के आधार पर वह प्रतिचुंबकीय होता है या अनुचुंबकीय होता है। यहाँ पर कुछ यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए थे जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा था। क्यों किसी एक के अंदर तो अंदर वाला डी कक्षक काम में आ रहा है और क्यों किसी एक के अंदर हमारे पास में बाहर वाला डी कक्षक काम में आ रहा है। यह लिगेंडों में भी कोई अंतर नहीं कर पा रहा था कि दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे हमारे अगले भाग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से। आइए अब उसकी चर्चा हम प्रारंभ करें। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एक स्थिर वैद्युत मॉडल है जिसके अनुसार धातु लिगेंड आबंध आयनिक होते हैं जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में तथा उदासीन लिगेंडों को बिंदु द्विध्रुवों के रूप में माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो हमारा लिगेंड है अगर ऋणावेशित है तो वो एक पॉइंट चार्ज है। यदि हमारे पास में उदासीन लिगेंड है तो वो क्या एक डाइपोल की तरह व्यवहार करने वाली स्पीशीज है। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है, जिन्हें हम अपभ्रष्ट अवस्था में कहते हैं या जिन्हें कहते हैं हम अपभ्रष्ट डी कक्षक हैं, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स जिन्हें हम कहा जाता है। विलगित का अर्थ क्या हुआ, उसने किसी के साथ में कोई बंध नहीं बना रखा है, ना वो किसी के आकर्षण में है ना वे किसी के प्रतिकर्षण में है। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीय सममित क्षेत्र रहता है। परंतु किसी संकुल में जब यह ऋणावेशित क्षेत्र लिगेंडों के कारण या तो ऋणायन या किसी द्विध्रुव अणु के ऋणात्मक भाग जैसे NH3 या H2O होता है तो असममित हो जाता है। अब ऋणात्मक भाग कौन सा होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन होगा, H2O में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या तो कोई ऋणात्मक भाग उसके पास जाए या फिर ऋणावेश उसके पास जाए तो हमारे जो डी कक्षक हैं वो असममित हो जाते हैं। तब क्या होगा, हमारे पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाओं में एक समानता नहीं रहेगी और डी कक्षकों की संभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है। वह अवस्था हमारे पास क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, जिसे हम क्रिस्टलों का विपाटन कहते हैं, डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो स्प्लिटिंग होगी ये किस पर निर्भर करेगी, क्रिस्टल क्षेत्र पर। कैसे, कि लिगेंड की प्रकृति क्या है, धातु की प्रकृति क्या है, ज्यामिति क्या है, वहां पर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। देखिए जो पांच हमारे पास में डी कक्षक होते हैं वह इस प्रकार से त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि डी वाई जेड, डी एक्स जेड तथा डी
एक्स वाई जो कक्षक होते हैं, हर कक्षक में चार चार पालियां उपस्थित होती हैं। इन कक्षकों में किस किस में? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड तथा डी वाई जेड। इनकी जो पालियां होती हैं यह एक्सिस के ऊपर न होकर के एक्सिस के बीच में उपस्थित होती हैं। हमारे पास एक्सिस कौन सी होती है? एक्स वाई तथा जेड। ये पालियां उन अक्षों पर न होकर के अक्षों के बीच में होती हैं। जबकि दूसरे प्रकार के डी कक्षक जिन्हें हम डी जेड स्क्वायर तथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं, उनमें पालियां अक्षों के ऊपर उपस्थित होती हैं। कहां पर है? एक्स वाई जेड अक्षों के ऊपर ही उपस्थित होंगी। तो हमारे पास देखो डी कक्षक थे जिन्हें हमने दो भागों में बांट लिया है। एक तो वे कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में उपस्थित होती हैं, तथा वे डी कक्षक जिनकी पालियां अक्षों पर ही उपस्थित होती है। ये बिल्कुल उसी घटना के समान है जैसे रोड पर होना और दो रोडों के बीच में होना, यानी कि एक किनारे पे खड़े होना। अष्टफलकीय उपसहसंयोजन समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से होती है, अब हम उसे देखते हैं। अष्टफलकीय संकुल का अर्थ यह हुआ कि वहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में छह लिगेंड जुड़े होते हैं। जब ये छह लिगेंड बंद बनाने के लिए धातु परमाणु की तरफ अग्रसर होते हैं तो ये एक्स वाई तथा जेड एक्सिस पर होते हुए धातु परमाणु के निकट पहुंचते हैं। जब ये धातु परमाणु के निकट आते हैं तो धातु के डी कक्षक जो कि कहां पर उपस्थित है? अक्षों पर ही उपस्थित है। एक्स वाई और जेड अक्षों पर उपस्थित है, उनमें तथा इन लिगेंडों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है। उस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो हमारे पांच डी कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा प्रारंभ में एक समान होती है, असमान ऊर्जा वाले दो डी कक्षकों में वे विभाजित हो जाते हैं, दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। पांचों डी कक्षकों का दो भागों में विभाजित हो जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की स्थिति में क्या होगा? देखिए, हमारे दो कक्षक जो कि अक्षों पर ही उपस्थित थे उनकी ऊर्जा प्रतिकर्षण के कारण अधिक हो जाती है, तथा वे कक्षक जो अक्षों के मध्य में उपस्थित थे उनकी ऊर्जा कम रहती है, तथा उनकी ऊर्जा हमारे पास में जो औसत ऊर्जा होती है पांच डी कक्षकों की उनसे कम चली जाती है। इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती है इन कक्षकों को हम ईजी तथा टी2जी की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। ईजी तथा टी2जी इन दोनों के मध्य में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, जो ऊर्जा का अंतर होता है, उसे हम डेल से दर्शाते हैं। कौन सा सिंबल बनाएंगे? डेल बनाएंगे। डेल के साथ हम क्या लिखते हैं? ओ। ओ का मतलब यहाँ है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, अर्थात डेल ओ किसे प्रदर्शित कर रहा है? डेल ओ प्रदर्शित कर रहा है अष्टफलकीय कक्षकों में, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ऊर्जा के मान को। ईजी कक्षकों की ऊर्जा कितनी अधिक होगी? 3/5 डेल ओ। तथा टी टू जी कक्षकों की ऊर्जा कितनी कम होगी? 2/5 डेल ओ कम होती है। देखिए, विपाटन हमारे पास में हो गया है। विपाटन के फलस्वरूप जो हमारे पांच डी कक्षक थे वे पांच डी कक्षक दो भागों में बट गए हैं जिन्हें टी2जी तथा ईजी कहते हैं। टी2जी में कौन से कक्षक आ गए हैं? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड तथा डी वाई जेड। जबकि ईजी में कौन आ गया है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर कक्षक हमारे पास में आ गए हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल ओ लिगेंड तथा धातु आयन पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है, अर्थात डेल ओ का मान कम होगा या ज्यादा होगा। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। इस व्यवस्था को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में देखिए क्या है, आई माइनस सबसे पहले है तथा सबसे अंत में हमने लिखा है सीओ को। सीओ प्रबल लिगेंड है, आई माइनस सबसे दुर्बल लिगेंड है।
यह सिद्धांत लिगेंडों को प्रबल तथा दुर्बल दो भागों में विभाजित करता है। H2O के बाद में आने वाले सभी लिगेंड कैसे हैं? प्रबल हैं। H2O तक के लिगेंड जिसमें खुद H2O भी शामिल है वह कैसा है? दुर्बल लिगेंड है। इस सारणी को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, यदि दाता परमाणु नाइट्रोजन या कार्बन होता है तो वे प्रबल लिगेंड होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे CO में दाता कौन है? कार्बन है। CN में कार्बन है। EN में कौन है? नाइट्रोजन है। अमोनिया में नाइट्रोजन है। EDTA में कौन है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों है वहां पर। NCS में हमारे पास में कौन आएगा? नाइट्रोजन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनमें क्या है? ऑक्सीजन है और हेलोजन है, सल्फर है। अगर ये दाता परमाणु होते हैं तो ये क्या होंगे हमारे पास में? ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। जब हमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो यदि हमारे पास D1 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा निम्न ऊर्जा वाले कक्षक T2G में चला जाता है। D2 विन्यास के लिए क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में चले जाएंगे। D3 विन्यास के लिए क्या होगा? तीन इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में चले जाते हैं। जैसे ही हमारे पास D4 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आता है तो वहां पर दो संभावनाएं बन जाती हैं। दो संभावनाएं कौन कौन सी हमें प्राप्त होती है? एक है कि हमारा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षकों में पहले से ही उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ में जोड़ी बना ले, युग्म बना ले, या फिर वह इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में चला जाए, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाए और युग्मन ऊर्जा को बचा ले। युग्मन होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इन दोनों में से कौन सी संभावना हो सकती है, कौन सी संभावना बन सकती है, ये निर्भर करता है डेल ओ तथा पी, जिसे हम युग्मन ऊर्जा भी कहते हैं, इन दोनों के मान पर। किसका मान अधिक है या किसका मान कम है उसके आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा या T2G में युग्मन करेगा। यदि डेल ओ का मान पी से कम हो, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम है, किससे? युग्मन ऊर्जा से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? युग्मन न करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक EG में चला जाएगा, जिससे हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा? T2G3 EG1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। लिगेंड जिनके लिए डेल ओ का मान पी से कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, और ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। सामान्यतः उच्च चक्रण संकुल इनके द्वारा बनाया जाता है। यदि डेल ओ का मान पी से अधिक है, अर्थात विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक हो, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? T2G में जाकर के युग्मन कर लेगा, वह उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाना कैंसिल कर देगा। उस समय हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त होगा? T2G4 EG0, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। लिगेंड जिनके लिए डेलो का मान ज्यादा होता है युग्मन ऊर्जा से, यानी वो अधिक विपाटन दर्शाते हैं, उन्हें प्रबल क्षेत्र के लिगेंड कहते हैं। ये प्रबल क्षेत्र के लिगेंड सामान्यतः निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, अर्थात प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि VBT में ऐसा क्या हो रहा था कि कोई लिगेंड आ रहा था तो वो अंदर वाले डी कक्षक काम में ले रहा था और कोई लिगेंड बाहर वाले डी कक्षक ही काम में ले रहा था। जो प्रबल लिगेंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देते हैं, जबकि दुर्बल लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाते हैं, उस स्थिति में वह बाहर वाले डी कक्षक ही काम में लेते हैं। चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यह विपाटन अष्टफलकियों की तुलना में बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास में T2 कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाती है तथा E कक्षकों की ऊर्जा निम्न होती है। अब देखिए हम लोगों ने अष्टफलकीय में शब्द काम में लिया था T2G तथा EG। G शब्द हम सिर्फ वर्ग समतलीय तथा अष्टफलकीय संकुलों के लिए ही काम में लेते हैं, क्योंकि वहां सममिति तल होता है, सममिति का बिंदु होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति का बिंदु नहीं होता,
इसलिए जी सबस्क्रिप्ट का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके स्थान पर बिना जी के हम लोग शब्द लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ई का हमने प्रयोग किया है तथा टी टू का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है कि टी टू कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाती है तथा ई कक्षकों की ऊर्जा निम्न हो जाती है। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे डेल टी कहते हैं। डेल का अर्थ है अंतर, टी का मतलब है टेट्राहेड्रल। सो डेल टी क्या हो गई हमारे पास में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यदि धातु आयन तथा लिगेंड दोनों ही समान हो हमारे पास में तो डेल टी व डेल ओ में ये संबंध होता है। डेल टी का मान लगभग डेल ओ का आधा होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। लिगेंड बिंदु आवेश होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, जबकि ऋणायन लिगेंड वास्तव में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की ओर आते हैं, वो एक दुर्बल लिगेंड होते हैं। ऐसा क्यों हुआ इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सहसंयोजक प्रवृत्ति का संज्ञान भी नहीं लेता है। ये भी नहीं बताता कि लिगेंड और जो हमारा केंद्रीय परमाणु है इसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है। आज हमने वीबीटी तथा सीएफटी के बारे में चर्चा की। वीबीटी में हमने देखा कि किस प्रकार से लिगेंडों के लिए एक धातु परमाणु अपना कक्षकों को उपलब्ध करवाता है बंध बनाने के लिए। वीबीटी से हम थोड़ा बहुत ये भी जान पाते हैं कि वहाँ पर उसकी प्रकृति चुंबकीय होगी या किस प्रकार की होनी है। कैसे, यदि वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय, अगर नहीं है तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। सीएफटी ने हमें यह बताया कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम दुर्बल लिगेंड या प्रबल लिगेंड कहते हैं। यह लिगेंड ही डेल ओ या डेल टी के मान को नियंत्रित करते हैं। प्रबल लिगेंड होने पर डेल ओ का मान अधिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में न जाकर के निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में स्थान ग्रहण करते हैं। इस सिद्धांत से, सीएफटी के सिद्धांत से ही हमें पता चलता है कि क्यों हमारे पास आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं, जिसका जवाब हमें वीबीटी नहीं दे पाया था। इस पाठ के शेष बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।